नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार एक बहुत ही शानदार टेस्टिमनी आपके बीच लेकर के आ गए हैं। और आज हमारे साथ पेशेंट नहीं है, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता जी। एक बहुत ही अच्छी पहचान रखती हैं, अपने गायने स्पेशलिस्ट हैं। और आज ये बताएंगे कि कुछ समय पहले मैंने सविता जी को रिकमेंड किया था एक आई पल्स के लिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इतने पेशेंट्स हैं आपके पास और इतने सारी चीज़ें आप देते हैं पेशेंट्स को। तो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट हम आपको एक ऐसा जूस देते हैं जिससे आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकती हैं। और इन्होंने इसको समझा भी, एक्सेप्ट भी किया कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ें, इन्होंने अप्रिशिएट भी किया इसके बारे में समझा। लेकिन रिजल्ट क्या मिले वो हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट मायने रखता है। कितनी अच्छी चीज़ है, उसका रिजल्ट क्या है, तो बताइए सर आप। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ऋषि जी आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट से मुझे मिलवाया। बेसिकली आई पल्स जब मुझे इन्होंने दिया तो मैंने इनको ये बोला था मैं पहले खुद पे ट्राई करूंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा तभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल और बिल्कुल मेरे को शायद हार्डली अभी 10 या 15 दिन ही हुए से लेते हुए, मैं खुद भी ले रही हूँ, मेरे बच्चों को भी दे रही हूँ। तो इससे शुरू में 2-3 दिनों में तो एक एनर्जी लेवल जो है ना वो आपको बहुत हाई लगता है। आपको मतलब आप लगता है कि कुछ तो अच्छा बॉडी में जा रहा है। बिल्कुल फिर सही कह रहे धीरे हैं, धीरे बिल्कुल मेरे सही कह इसकी रहे हैं। जो एनर्जी लेवल इम्प्रूव होने लगा, मेरे पैरों की जो एड़ियां फटती थी, मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो कभी ठीक ही नहीं होती थी, मैंने नोटिस किया बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने कुछ भी यूज नहीं किया उनपे। और दूसरा, अभी जो ये सीजन चेंज होता है होली और दीपावली पे, तो हम लोगों को, मेरे को और मेरे बेटे को एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। हम 1 महीना पहले एस्थमेटिक ही, जो प्रॉब्लम होती है डस्ट हाँ मतलब जो, एकदम हाँ से गुलाब से, स्नीजिंग, मतलब बहुत हाँ सारी बिल्कुल छींके बिल्कुल आना, बिल्कुल वो बहुतों को होती स्टार्ट हो हो, जाता है। बहुत और सी। होली तो हम खेल ही नहीं पाते हैं, मतलब यदि दूर भी कलर उड़ रहा होगा तो हमको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा और मैंने भी मेडिसिन स्टार्ट भी कर दी थी, एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है, मैं 1 महीना पहले स्टार्ट कर देती हूँ होली दीपावली पे। लेकिन मीन वाइल इनसे मिलना हुआ और मैंने आई पल्स स्टार्ट किया। और आई पल्स स्टार्ट करते बीच बीच में पता नहीं क्या हुआ, मैं एक दिन मेडिसिन भूली, 2 दिन भूली, फिर मैंने मेडिसिन बंद ही कर दिया। और फिर जब देखो 5-6 दिन हो गए थे, तो मुझे लगा मैं मेरे मम्मी पापा को भी दूं इसे, जो कि दोनों डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और मेरी मम्मा जो हैं ओबीज भी हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को दिया और कल ही मैं उनसे मिली हूँ पापा से, तो पापा बता रहे थे कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 98 है। क्या बात है, मतलब कुछ नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ आई पल्स लिया और कुछ भी नहीं लिया, उसी से उनका ब्लड शुगर बिल्कुल सही आ गया। और कल मैंने उनको बोला आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है ब्लड शुगर के लिए। क्या तो बात इससे है, बड़ा मिरेकल मेरे लिए और क्या हो सकता है, यदि ये आई पल्स आई कॉफी इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो। दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट को सब कुछ मीठा बंद कर दिया जाता है, और ये बहुत मीठा जूस है, बेरीज और फ्रूट्स का एक अर्क है। जब बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में जितने भी डिसऑर्डर चल रहे हैं उनको रिपेयर करने में, उनको रिमूव करने में, उनसे रिकवरी दिलाने में आपकी बहुत मदद करता है। और देखिए एक प्रीमियम जूस पी करके, जबकि डायबिटीज के पेशेंट को सब तरह के जूस बंद होते हैं, और इतने सारे बेरीज का जूस पी करके हम डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इस समय 70% लोग सफर कर रहे हैं। कई तरह के जो पैरों की एडीज का बताया डॉक्टर साहब ने कि एड़ियों में दिक्कत थी, ये हर लेडी को प्रॉब्लम होती है, हर लेडी को, 90% लेडीज को दिक्कत आती है होती डॉक्टर है और साहब। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ कोई मतलब आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं मर्जी वो, करो, आप सॉक्स पहन लो, कितनी हाँ क्रीम लगा लो, हाँ कुछ भी कर लो, लेकिन वो फटती ही है, मतलब एड़ी आपकी ठीक होती ही नहीं है, बस पार्लर में जाके पेडीक्योर कराती है, मैं देखा है उससे भी कुछ ज्यादातर। नहीं हाँ फिर होता कराना पड़ता है रेगुलर, तीन तीन चार उसके चार बाद महीने फिर बाद। वापस फट जाती है, जैसे आपका पैर पड़ेगा जमीन पे फट जाएगी एड़ी आपकी। डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में समझा कि आपने 17-18 दिन हो गए यूज करते हुए, प्रोडक्ट के रिजल्ट आपने जिस जिसको दिया देख लिया, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, आपने अपने ऊपर देख लिया कि जो आपको गुलाब से एलर्जी होती थी एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट है ये, और एंटीवायरस भी है, तो हम तो बोलते हैं बॉडी का नंबर 1 एंटीवायरस भी है। पापा को देख लिया आपने कि उनके ऊपर, पापा मम्मी के ऊपर शुगर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मम्मी का एनर्जी लेवल भी बढ़ गया आपने देखा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है कि आप 24 आवर्स वर्किंग कर पा रही हैं, आपको पता लग गया कि मैं कर सकती हूँ। आखिर इसमें ऐसा क्या लगा आपको कि इतना जबरदस्त काम क्यों करता है क्या इसके अंदर? जैसा मुझे पता चला है इसके अंदर जो असाई बेरीज और बाकी सब बेरीज है, बेसिकली यदि हम अपनी बॉडी के लिए बात करें तो न्यूट्रिशन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए होती है। और किसी भी इंसान के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत मुश्किल है, एक दिन में पूरी प्रॉपर डाइट लेना, उसके लिए उसको दिन भर खाना ही खाना है और बहुत सारी वेराइटी का खाना खाना है। तो ये जो बेरीज है इसके अंदर जो है, इसमें 7 कलर्स के जो फूड इसने ऐड किए हैं, तो ये बहुत
मतलब स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जो कि अपन जानते हैं हमारी बॉडी में जितना भी डैमेज होता है ये ऑक्सीजन रेडिकल्स जो है, जो टॉक्सिन्स हैं, यही बॉडी को डैमेज करते हैं और ये स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है तो उसकी वजह से बॉडी की क्लीनिंग करता है। यदि आपकी बॉडी की क्लीनिंग अच्छी हो रही तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ठीक होगी। और डॉक्टर इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, हर तीसरे व्यक्ति को कैंसर की प्रॉब्लम आने की संभावना है। आपने इस पर देखा कि एंटीऑक्सीडेंट हार्ट के लिए कितना बड़ा सपोर्ट रहे, यानी एंटीऑक्सीडेंट का रोल हार्ट पर भी बहुत जबरदस्त काम करता है, आपके हार्ट को लंबे समय तक यंग रखता है। और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा ये बताइए, पब्लिक जानना चाहती है आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, यानी आपने इतने सारे लोगों को पिलाया, क्या किसी ने आपको बोला कि मैं ये नहीं पी सकता? बिल्कुल नहीं, इवन मेरे बेटे ने बोला मम्मी टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैं इसको रोज पी सकता हूँ। जैसे ही मेरा बेटा उठता है मैं पहले ही उसका एक ग्लास भर डालती हूँ ये ले, और उसने मुझे एक भी दिन मना नहीं किया, बल्कि बड़े आराम से बच्चे पीते। टेस्ट तो सुपर है इसका, इवन जो आई कॉफी है उसकी भी आप उसकी स्मेल करेंगे, मतलब जैसी बनती है उसकी खुशबू जो घर में फैलती है, और आप उसको टेस्ट करोगे टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप उसमें ना तो शुगर ऐड कर रहे हो ना आप मिल्क ऐड कर रहे हो, सिंपल एक पानी में बना रहे हो, तब भी उसका टेस्ट बाकी जो कॉफीज है उससे बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं कई बार बोतल जब मैं शॉप पर खोलता हूँ ना एप्पल्स की, कई मेरे क्लाइंट आते हैं हमको पिलाते हैं, तो इसका जैसे इसको कवर हटाते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस ऐसे फैल जाती है शॉप के अंदर, लोग कहते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर कोई इसे पीना चाहेगा, इतना टेस्टी है। जैसे कि आप बताएं गायने स्पेशलिस्ट हैं, आप इतनी लेडीज को देखती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है लेडीज को, किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि कई लेडीज होती हैं बहुत ज़्यादा और मल्टीपल प्रॉब्लम मेनोपॉज से रिलेटेड, उसमें आप कैसा मानती हैं इस प्रोडक्ट को कैसे काम करता है? बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, मैं यही मानती हूँ जो भी बीमारियाँ हैं ज़्यादातर उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत काम करता है। आजकल आप देखो कि पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई भी आप दूसरी तीसरी लड़की को ले लो, चाहे मोटी है चाहे पतली, पहले माना जाता था कि ओबीस लोग होते हैं, आजकल पतले लोगों में पीसीओडी बहुत ज़्यादा होने लगे और यहीं से ही आपकी शुरुआत हो जाती है बॉडी की। पीसीओडी आपको होता है तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओबीस होंगे आप, आपको थायराइड का प्रॉब्लम भी होगा, फिर वो पीसीओडी करेगा। तो ये सब मेनली जो है ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जो है जो कि डैमेज करते हैं बॉडी को, ये उसको कंट्रोल करता है। यदि ये मेन मतलब बोलते हैं कि नीम से ही जो जड़ से इसने ठीक कर दिया है बॉडी को, तो बाकी सब जो प्रॉब्लम होनी है उसको भी ठीक करता है। बिल्कुल 100% दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूंगा इसके बारे में, ज्यादा जानकारी चाहते हैं ना तो www.ipulsepure.com